नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभाव निरीक्षक, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है, जिनमें कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी बदले गए हैं। महाराजगंज की नौतनवा सीट से अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। वहीं बलिया के बैरिया विधानसभा सीट से बसपा ने सुभाष यादव को उम्मीदवार घोषित किया। कुछ दिन पहले ही इस सीट पर पार्टी ने अंगद मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया था। बसपा द्वारा घोषित इस सूची में बलरामपुर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तुलसीपुर सीट से बसपा ने भुवन प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सिसवा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। सहजनवा से सुधीर सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। सुभाष यादव समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। इसके पहले 2007 के चुनाव में बसपा के टिकट पर सुभाष यादव चुनाव जीते थे। बैरिया सीट से सुभाष यादव के चुनाव मैदान में आने के बाद यहां मुकाबला कुछ दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या नगर के एक चौराहे का नाम दिवंगत लता मंगेशकर के नाम के ऊपर करना है। वो बोले कि भक्त जब उस चौराहे से होते हुए श्रीराम के दर्शन के लिए जाएंगे तो वो लता मंगेशकर के गीतों को याद करेंगे और गौरवान्वित होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि अयोध्या में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के तौर पर चौराहे का नामकरण उनके नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रचार प्रसार और चुनावी दल बदल जोरों पर जारी है। इन सबके बीच कुछ नाराज प्रत्याशियों का रोना धोना भी काफी सुर्खियां बटोरा है। बात हो रही है समाजवादी पार्टी के प्रदीप यादव की। रुद्रपुर विधानसभा सीट से उनका नाम आने की उम्मीद थी, लेकिन दो दिन पहले प्रदीप यादव की जगह पूर्व मंत्री राम भुआर निषाद को टिकट दे दिया गया, जिससे नाराज होकर प्रदीप यादव बागी हो गए और उन्होंने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रदीप यादव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो रोते हुए दिख रहे हैं। प्रदीप यादव ने कहा, ने रोते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के लिए 20 सालों से काम कर रहा था, इसके बावजूद मेरा टिकट काट दिया गया। जनता इसका फैसला करेगी। जिसको टिकट दिया गया है उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। प्रदीप यादव ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिस्ट्री शीटर को टिकट देकर अन्याय किया है। वो माफिया और अपराधी को टिकट नहीं देने की बात करते हैं, लेकिन एक हिस्ट्री शीटर और अपराधी जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है उसको टिकट दे दिया। इसके अलावा बसपा ने फाजिलनगर सीट से हाल ही में सपा छोड़कर आए इलियास अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। बसपा से टिकट मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इलियास अंसारी भावुक हो गए और कहने लगे कि सपा में रहने के कारण मेरी बेटी विधवा हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की वजह से मेरे दामाद की हत्या हो गई, समाजवादी पार्टी मेरी हत्या कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा कर ही दम लेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर सीट सबसे चर्चित सीटों में से एक है। यहां से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके सामने सपा और कांग्रेस ने ब्राह्मण उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बता दें कि कांग्रेस ने सीट से चेतना पांडे को टिकट दिया है। 37 वर्षीय चेतना पांडे एक कवि और गायक के साथ साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पांडे इससे पहले सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रही हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में चेतना पांडे ने शहजनवा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस दौरान उन्हें केवल 2200 वोट ही मिले थे। वहीं पांडे इस बार कांग्रेस की टिकट पर निवर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ मैदान में है। ऐसे में उनकी काफी चर्चा भी है। राजनीति के अलावा चेतना पांडे कवित्री, तबलावादक और पत्रकार भी रही हैं। वो पिछले काफी समय से गोरखपुर जोन के 11 जिलों में समाज सेवा और महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। आपको बता दें कि आज चेतना पांडे भले ही सीएम योगी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हों, लेकिन एक समय में वो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रही थी। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू भी अपने पिता के प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राबिया सिद्धू ने कहा कि जब तक उनके पिता जीत नहीं जाते तब तक वो शादी नहीं करेंगी। दरअसल बीते दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि मेरे पास बेटी की शादी करने तक के पैसे नहीं है। इस पर राबिया ने कहा कि वो भावुक होकर ऐसा बोल गए। मैंने खुद कहा कि तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक पिताजी जीतेंगे नहीं। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा से सीएम के चेहरे के रूप में घोषित करने पर राबिया सिद्धू ने एएनआई से कहा कि हाई
हाईकमान तो हाईकमान है, शायद हाईकमान की कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन आप एक ईमानदार आदमी को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते और बेईमान आदमी को आखिरकार रुकना ही पड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।